अक्षय कुमार बर्थडे स्पेशल शो में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे अक्षय कुमार के कुछ ऐसे राज जिसको आप शायद नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं अक्षय कुमार का रियल लाइफ नेम राजीव ओम भाटिया है? तो आप सोच रहे होंगे कि अक्षय कुमार का नाम आखिर अक्षय कुमार पढ़ा कैसे। अक्षय कुमार की पहली फिल्म सन 1987 में आ जाई थी जिसका उसमें मैच 7 सेकंड का रोल था और उसमें उनका नाम था अक्षय। राजीव ओम भाटिया ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना फिल्मी लाइफ में भी नाम अक्षय कुमार रख लूँ और अक्षय कुमार ने उस मूवी में मिले अपने नाम को आगे बढ़ाते हुए बॉलीवुड में अक्षय कुमार नाम से जाने जाने लगे। अक्षय कुमार एक एक्टर बनने से पहले बैंकॉक में शेफ थे और वहाँ पर वो जिस रूम पर रहते थे वहाँ पर उन्होंने 3 पोस्टर लगा रखे थे जिसमें पहला था जैकी चैन का, दूसरा था सिल्वर एस्ट्रोनॉम का और तीसरा श्री देवी का। और राज की बात तो ये है कि अक्षय कुमार ने एक्टर बनने के बाद सिल्वर स्टलोन के साथ भी काम किया, श्री देवी के साथ भी काम किया और जैकी चैन से उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है। अक्षय कुमार जब बहुत अच्छे एक्टर बन चुके थे, डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुके थे तो उनमें शायद थोड़ा सा घमंड आ गया था और सन 1994 में अक्षय कुमार ने लगातार 12 पिक्चरें कर दी थी और ये 12 पिक्चरें ऑन द मूव बॉक्स ऑफिस पर जा गिरी थी। अक्षय कुमार ने यहीं से सीखा था कि बॉलीवुड में घमंड दिखाने से कुछ नहीं होता और अक्षय कुमार तब से एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी बन गए और उन्होंने धीरे धीरे फिल्में चुनना चालू कर दिया। अक्षय कुमार की बढ़ती लोकप्रियता से बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां उनके प्यार के चंगुल में आई। इसमें पहला नाम जो शायद आप नहीं जानते होंगे जिसका नाम था पूजा बत्रा। अक्षय कुमार की पहली गर्लफ्रेंड बॉलीवुड में थी पूजा बत्रा। अक्षय कुमार ने उनको टाइम पास के तौर पर ही लिया लेकिन पूजा बत्रा शायद सीरियस हो गई थी लेकिन अक्षय कुमार ने उन्होंने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। अक्षय कुमार का अगली गर्लफ्रेंड बनी रवीना टंडन। रवीना टंडन की बात उस टाइम की है जब चल रही थी सबसे बड़ा खिलाड़ी की शूटिंग। रवीना टंडन और अक्षय कुमार एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे लेकिन जब रवीना टंडन ने देखा कि अक्षय कुमार और रेखा एक ही रूम में एक साथ है तो ये बात रवीना टंडन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और सेट पर ही रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को 2-4 गालियां भी दी। ये बात अक्षय कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तुरंत ही रवीना टंडन से अपना रिश्ता तोड़ लिया और अक्षय कुमार का उस दौर में नाम रेखा के साथ जुड़ा रहने लगा। लेकिन अक्षय कुमार ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की कई फिल्में साथ आई है और अक्षय कुमार की अगली गर्लफ्रेंड का नाम भी शिल्पा शेट्टी ही है और अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी जब एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे तभी शिल्पा शेट्टी की फ्रेंड थी ट्विंकल खन्ना और ट्विंकल खन्ना की ही शादी अक्षय कुमार से हुई और ट्विंकल खन्ना से शिल्पा शेट्टी ने ही अक्षय कुमार को मिलाया था और आगे जाके शिल्पा शेट्टी को अक्षय कुमार का ट्विंकल खन्ना से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसी कारण का राज बना, शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार का रिश्ता टूट गया। ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की बात सगाई तक जा पहुंची थी लेकिन शिल्पा शेट्टी को ट्विंकल खन्ना से अक्षय कुमार का बार बार मिलना शायद नहीं पसंद था और इसलिए उनका रिश्ता भी यही टूट गया। अब ऐसी बात जो शायद आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी, अक्षय कुमार किसी काम से एक दिन राजेश खन्ना के घर पे गए थे। राजेश खन्ना ने उनको 2 घंटे तक अपने ऑफिस रूम में वेट कराया था और तब जाके राजेश खन्ना उनसे मिलने आए थे और राजेश खन्ना को क्या पता था जिसको मैं वेट करा रहा हूँ एक दिन वही मेरा दामाद बन जाएगा। अक्षय कुमार ने सन 2001 में ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली और उनके साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। आपको पता होगा सन सबसे बड़ा खिलाड़ी पिक्चर में एक अंडरटेकर का रोल था जिसको आप सभी जानते होंगे। वो रियल अंडरटेकर तो नहीं था लेकिन वो वास्तव में अंडरटेकर से लड़ाई लड़ चुका था और इस सीन में अक्षय कुमार को जब अंडरटेकर ने उठा के पटका तो अक्षय कुमार को बैकबोन की इंजरी आ गई थी और उसमें अक्षय कुमार को काफ़ी ज़्यादा लंबा इलाज भी चला था। जिस तरह अमिताभ बच्चन ने विजय नाम के काफ़ी ज़्यादा किरदार निभाए हैं तो आपको बता दें अक्षय कुमार का एक नाम है राज मल्होत्रा। अक्षय कुमार ने इन फिल्मों में 5 पिक्चरों में इस नाम का यूज़ किया है। अक्षय कुमार की शादी के बाद अक्षय कुमार की फिल्में लगातार हिट होने लगी और अब उनका नाम भी इधर उधर नहीं जुड़ने वाला था लेकिन अक्षय कुमार के कुछ ऐसे राज हैं जो अभी भी खत्म नहीं हुए थे। अब अक्षय कुमार की जोड़ी प्रियंका चोपड़ा से ज़्यादा ही जमने लगी थी और अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो रही थी लेकिन ये बात चाहे ट्विंकल खन्ना को पसंद नहीं आई और इसी बीच मीडिया में अफवाह उड़ने लगी कि अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का बीच अफेयर है और इसी बात को लेकर ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को कसम दे दिया या यूं कहे कि ट्विंकल खन्ना ने मना कर दिया कि आप प्रियंका चोपड़ा से आज के बाद बात नहीं करेंगे और उनके साथ कोई भी फिल्म नहीं करेंगे। तब से अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा के साथ आज तक एक भी फिल्म नहीं करी। अक्षय कुमार के करियर में कई उतार चढ़ाव आए। अक्षय कुमार का करियर जिस चढ़ाई में ऊपर चढ़ रहा था उसी तरह धीरे नीचे आ रहा था। अक्षय कुमार के ऐसे ही कुछ राज और है जो शायद आपको नहीं पता है। क्या आपको पता है कि अक्षय कुमार को फिल्म
अजनबी के लिए बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला हुआ है। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में बेस्ट विलन का खिताब भी जीता हुआ है, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। सन 2009 में अक्षय कुमार को बेस्ट बॉलीवुड एक्टर का अवार्ड भी मिला था, लेकिन अक्षय कुमार ने इसको लेने से साफ मना कर दिया और स्टेज पर ही उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस अवार्ड के लायक मैं नहीं बल्कि अभिनेता आमिर खान है। अब एक बात जिसको जानकर आप शायद आप हैरान हो जाएंगे, अब बात करते हैं फिल्म बादशाह की। बादशाह में जिसका शाहरुख खान ने किरदार निभाया था, वो रोल पहले अक्षय कुमार को मिला था, लेकिन अक्षय कुमार ने वो रोल नहीं किया क्योंकि अक्षय कुमार का वो करियर शुरुआती दौर था और अक्षय कुमार नहीं चाहते थे कि मैं किसी विलन का किरदार फिल्मों में निभाऊं। इससे अक्षय कुमार ने बादशाह पिक्चर हटा दी अपने करियर से और शायद अक्षय कुमार पर ही भारी पड़ गया क्योंकि शाहरुख खान की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी। अक्षय कुमार की बात और राज की बात करें तो अक्षय कुमार के बॉलीवुड में ऐसे कई दोस्त हैं जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। अक्षय कुमार की जॉन अब्राहम से काफ़ी अच्छी दोस्ती है और अक्षय कुमार जब मॉडलिंग का टाइम था, जब अक्षय कुमार नए नए बॉलीवुड में आए थे, तो अक्षय कुमार ने एक फ़ोटो खिंचवाई थी। अक्षय कुमार उसी फ़ोटो को लेकर हर डायरेक्टर के पास पहुंच जाते थे। खुद अक्षय कुमार ने इंटरव्यू में बताया कि उस फोटो की डायरेक्टर मजाक उड़ाते थे और अक्षय कुमार का काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाते थे। अक्षय को ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आती थी। जब अक्षय कुमार का किरदार बन रहा था, अक्षय कुमार एक मॉडल बन के उभर रहे थे, उस समय अक्षय कुमार ने सोचा कि क्यों ना मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो करवा लूँ, लेकिन अक्षय कुमार के पास उनके लिए एक पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो अक्षय कुमार ने इसके लिए भी एक नई आइडिया सोची। अक्षय कुमार ने अपने फोटोग्राफर से कहा कि हम मुंबई के बड़े बड़े बंगले के बाहर जाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे, और अक्षय कुमार हर बंगले के बाहर जाते और फोटो खिंचवाते। ऐसे ही अक्षय कुमार को एक गार्ड ने वहाँ से डांट कर भगा दिया था और उसी 1.5 से 10 साल बाद अक्षय कुमार ने उसी बंगले के बगल वाला घर खरीद लिया। तो आप इस सोचेंगे कि अक्षय कुमार को जिस घर से भगा दिया गया था उससे बगल में उन्होंने उससे भी बड़ा घर खड़ा कर दिया। अक्षय कुमार को वो बात दिल पे लग गई थी कि क्यों एक फोटो भी उन्हें नहीं खिंचवाने दी गई। अक्षय कुमार जब ब्लू फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनको समुंदर के नीचे का सीन शूट करना था और अक्षय कुमार जब वो सीन शूट कर रहे थे तो अक्षय कुमार को सर पे गहरी चोट आ गई थी और वहीं समुंदर में उनके सर से खून बहने लग गया था। अक्षय कुमार ने खुद इस बात को माना कि अगर टीम स्टाफ सही टाइम पर नहीं आता तो शायद वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया है कि वो एक फिल्म स्टार नहीं बनते तो एक फौजी या नेवी के ऑफिसर बनना पसंद करते, और अक्षय कुमार ने शायद फिल्म में बनने के बाद इन्हीं रोल में सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल भी फील करते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार की रुस्तम और हॉलीडे इन दोनों के कैरेक्टर में प्ले कर चुके हैं और अक्षय कुमार इसको अपना ड्रीम रोल बताते हैं। एक बात से शायद आप अनजाने होंगे कि अक्षय कुमार ने फेमस होने के बाद अपनी इंडियन नेशनलिटी को छोड़ के कैनेडियन नेशनलिटी अपना लिया था, मतलब अक्षय कुमार अब एक भारतीय नागरिक ना होते हुए एक कैनेडियन नागरिक है। इस बात से बहुत ही कम लोग वाकिफ है कि अक्षय कुमार एक भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारतीय के खिलाफ काफ़ी देशभक्ति की फिल्में करते हैं और अक्षय कुमार की ही एक सोच थी कि वो भारत के वीर जवानों के लिए एक ऐसी वेबसाइट बनाए कि उनके परिवारों को मदद मिल सके। इसी सोच को अक्षय कुमार के आगे बढ़ाते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने एक साइट बनाई जिसमें भारतीय जवानों के शहीद की परिवार की फ़ोटो लगाई जाती है और उसमें भारतीय जवानों को जनता पे करती है। ये अक्षय कुमार की ही सोच से आगे बढ़ के बात आई है। अक्षय कुमार एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन वो कभी भी थके नहीं। अक्षय कुमार अपने फिट रहते हैं और उसको वो राज बताते हैं अपने जल्दी उठने का। अक्षय कुमार का ये राज शायद आप जानते ही होंगे कि वो सुबह 7 बजे से पहले पहले उठ जाते हैं और रात को 7 बजे से पहले पहले सो जाते हैं। अक्षय कुमार की एक खास बात यह है कि वो 40 दिनों के अंदर ही एक फिल्म की शूटिंग पूरी कर देते हैं, इसलिए तो एक साल में वो कम से कम 3 या 4 फिल्में कर जाते हैं। अक्षय कुमार के साथी कलाकार सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान तीनों अब तक, मतलब ये चारों एक ही टाइम पे बॉलीवुड में आए थे, लेकिन अब तक वो 100 फिल्मों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। वहीं अक्षय कुमार ने इनके मुकाबले 111 फिल्में कर ली है। आपने आमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर तो देखी ही होगी। अक्षय कुमार ने उस फिल्म के लिए दीपक तिजोरी का जो रोल था उसके लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन अक्षय कुमार को उस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। और भी ऐसी कोई राज की बात है जो अक्षय कुमार के बारे में आप नहीं जानते। अक्षय कुमार ने ब्रांड के लिए एक दिन मॉडलिंग करनी चाहिए और अक्षय कुमार ने वो किया भी, और अक्षय कुमार जब उसकी मॉडलिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पैंट का बटन वहीं पे बैठी ट्विंकल खन्ना से खुलवाया क्योंकि उसका ब्रांड का टैगलाइन ही था अनबटन। लेकिन इस बात के लिए शायद ट्विंकल खन्ना को जेल भी जाना पड़ गया था क्योंकि ट्विंकल खन्ना पर केस दर्ज हो गया था कि वो पब्लिक में ऐसा नहीं कर सकती। अक्षय कुमार की ऐसी ही कई राज की बातें हैं जो शायद आप अब तक नहीं जान पाए होंगे। अक्षय कुमार की ऐसी जो फिल्म है जो आज तक रिलीज भी नहीं हुई बनने के बाद भी, जिसका नाम है दीदार। दीदार अक्षय कुमार की पहली फिल्म थी जिसको उन्होंने साइन किया था,
लेकिन वो फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो पाई। अक्षय कुमार की ऐसी और भी कई राज की बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, उन सबसे पर्दाफाश करेंगे हम अपने आगे आने वाले एपिसोड पे। और अक्षय कुमार के बर्थडे तक हर दिन हम एक नया एपिसोड आपके सामने लाएंगे और अक्षय कुमार के बर्थडे को उनको विश करेंगे। तो आप भी उन्हें विश कीजिए और नीचे कमेंट में अक्षय कुमार को हैप्पी बर्थडे जरूर लिखिए। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर से आप जुड़े रहे सबसे पहले। हर करंट अपडेट्स, बॉलीवुड की जानकारी, फिल्म रिव्यूज, मूवीज कलेक्शन, हर चीज आपको यहाँ मिलेगी सबसे पहले। तो सब कुछ जानने के लिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ और अगले शो के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।